नमस्ते बच्चों, तो फिफ्थ नंबर का जो है वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे फूड सेफ्टी। अब ये जो चैप्टर है इसमें कोई कंसेप्ट वगैरह नहीं है, जैसे पे हमने मोशन में देखा, पिछले इसमें वीडियोस में देखे कि कंसेप्ट होते हैं, ये थ्योरेटिकल है, एक थ्योरी है और उसको आपको समझना है। ऐसा कोई उसमें जैसा फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में टॉपिक्स होते हैं ऐसा कुछ है नहीं, थ्योरेटिकल पार्ट है। देखिए फूड सेफ्टी, अब देखिए यहाँ पे पहले आपको एक कुछ फूड के सोर्स दी है, न्यूट्रिशन आपको वहाँ पे क्या मिलता है और इस पर आपके बॉडी पे क्या फंक्शंस होते हैं उसके ऊपर दिया है। देखिए अब कोई भी खाना हम खाते हैं तो उसमें कौन से न्यूट्रिशन होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होता है और फैट्स होता है, ठीक है। ये मेन चीज है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, जैसे अलग अलग विटामिन है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन के है, तो ऐसे विटामिन जो है वो प्रेजेंट्स होते हैं खाने के अंदर। अब कौन से खाने में क्या होता है वो देखते हैं। आपको दिया है ज्वार है, व्हीट है, बाजरा है, राइस है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फाइबर्स होता है, ये सब कुछ प्रेजेंट होता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है कि जो एनर्जी का सोर्स माना जाता है कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन की वो इंपॉर्टेंट होता है, जो मसल्स वगैरह हमारी बिल्ड होती है, अलग अलग जो बॉडी में रिएक्शंस होती है उसके लिए प्रोटीन होता है। फैट की क्या जरूरत होती है, फैट हमें जो चर्बी आती है यानी जो हमारी स्किन के ऊपर जो चर्बी होती है यानी फैट जो जमा होता है अलग अलग प्रोसेस के लिए, केमिकल अलग अलग रिएक्शंस के लिए, उसके लिए फैट्स भी ज़रूरत होता है। विटामिन्स और मिनरल्स, मिनरल्स देखिए एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तो बॉडी के ग्रोथ के लिए हमें विटामिन्स की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, तो ये हमारे बॉडी के फंक्शंस है। कुछ विटामिन्स मिनरल्स ब्रेन के लिए अच्छे होते हैं, कुछ किडनी के लिए अच्छे होते हैं, कुछ लीवर के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। बीन और पल्सेस की बात करें तो इसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, विटामिन्स होते हैं। ऑयल और घी की अगर हम बात करें तो इसमें मेनली होता है फैट, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें, इसीलिए घी, ऑयल और घी में फैट होता है और इसीलिए बोलते हैं कि अगर हम ऑयल और घी ज़्यादा खाते हैं तो हमारा वजन बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि फैट जमा होता है और इसकी वजह से वजन बढ़ता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में विटामिन्स और मिनरल्स सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। मैंने जैसे बोला कि कुछ विटामिन्स हमारे पूरे, देखिए विटामिन्स और मिनरल जो है वो मिनरल्स में भी कुछ ज़्यादा की ज़रूरत होती है, ज़्यादा मिनरल्स की ज़रूरत होती है, उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, यानी MACRO, और एक होते हैं जो कम क्वांटिटी में ज़रूरत होती है उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हैं इसमें, मेन आपको इतना भी ध्यान रखना है कि होते कौन से न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स और विटामिन्स की ज़रूरत होती है। अब देखिए ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी। तो ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए वाटर भी ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरत है, प्रोटीन भी ज़रूरत है, फैट्स भी ज़रूरत है, विटामिन्स की भी ज़रूरत है, मिनरल्स की भी ज़रूरत है। इसके अगर कोई भी एक डिफिशियंसी होती है, जैसे विटामिन बी की अगर डिफिशियंसी हो गई तो स्कर्वी हो सकता है, बेरी बेरी नाम का डिसीज़ हो सकता है। विटामिन ए की अगर आपके बॉडी में कमी है तो आपकी आंखों पे उसका इफेक्ट होता है। विटामिन सी की अगर कमी है तो इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है। जिंक की अगर कमी है, ये मिनरल्स है तो जिंक अगर कम है तो इम्यूनिटी कम होगी, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग विटामिन्स और मिनरल्स, सारे विटामिन, सारे मिनरल्स, सारी की ज़रूरत हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए, सारी पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों वी गेट दिस न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड मटेरियल, और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, तो हम जो खाना खाते हैं उसी से मिलते हैं, ठीक है। पर जो हेल्दी खाना होता है, जैसे कुछ लोग हेल्दी खाते हैं सवेरे जो है वो, अगर आप जो है वो फास्ट फूड खाओगे तो उससे आपको न्यूट्रिएंट्स तो नहीं मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फैट जाएगा, उसकी वजह आपकी ओबेसिटी बढ़ेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हेल्दी खाना होता है, जो हमारा रसोई में जो हमारे घर में जो पकता है, जो हम खाने में खाते हैं, जो हमारी रोटी है, राइस है, तो ये जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हम खाते हैं वो क्या है, वो एक हेल्दी खाना है जिसकी वजह से हमें विटामिन्स, मिनरल ज़्यादा मिलते हैं। पर अगर आप तला भुना ज़्यादा खाओगे तो आपके बॉडी में फैट ज़्यादा जाएगा और उसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ेगी। ओबेसिटी बढ़ने की वजह से आपको अलग अलग प्रकार के डिसीज होगे, ठीक है। हाउएवर व्हाट विल हैपन इफ दिस फूड मटेरियल आर इन्फेस्टेड बाय इंसेक्ट और स्पॉइल्ड इन एनी वे। देखिए हम जो खाना खाते हैं वो अच्छा भी होना चाहिए, वो खराब नहीं होना चाहिए। अगर खराब खाना हम खाते हैं तो होता क्या है, उस खाने से हमें अलग अलग प्रकार के डिसीज़ हो सकते हैं। तो खाना जो है वो खराब खाना अब होता क्यों है उसको भी देखेंगे कि फूड खराब कैसे होता है, कैसे होता है। अगर मान के चलो कि आपके घर में गेहूं को रखा हुआ है, गेहूं, और उसको अगर पानी लग जाता है तो वो पानी लगने की वजह से स्पॉइल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उसमें कुछ इंसेक्ट जाते हैं। आपने देखा होगा कि गेहूं है, बाकी के जो राइस है इसमें एक छोटा सा एक इंसेक्ट देखा जाता है जिसको हम सोंडे बोलते हैं, सोंडे,
मराठी में उसको सोंडे बोलते हैं, हिंदी में मुझे पता नहीं क्या बोलता है, उसको सोंडे बोला जाता है। ऐसे वो पूरे का पूरा अनाज खराब कर देंगे, पूरा राइस खराब करा देंगे, जो पल्सेस है, दाढ़ी है, वो उसको खराब कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है जो फूड स्पॉइलेज में रखते हैं। अगर हम ज़्यादा देर तक खाने को रखते हैं तो वो भी स्पॉइल हो जाता है, क्योंकि उसमें अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो फंगस डेवलप होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उस पर इम्पैक्ट आता है और उसकी वजह से खाना जो है वो ख़राब हो जाता है। देखिए, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज, समटाइम्स फ्रूट्स और देयर स्किन्स टर्न ब्लैक। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं तो उसकी ऊपर की जो स्किन वगैरह होती है वो जो है वो खराब, आप जब एप्पल वगैरह लेने जाते हैं तो आपको देखते हैं। तो ये होता क्यों है? ट्रांसपोर्टेशन में कुछ हो सकता है। आजकल तो बहुत सारे केमिकल्स का भी इस्तेमाल करते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसके वजह से भी खराब होता है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी खराब होता है। सम फूडस्टफ गिव आउट अ फॉल आर बैड ओडर, तो हमें उसकी स्मेल जो है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो खराब है? एक तो हमारी आईज से हमें दिखता है कि वो खराब हो चुका है, ठीक है, खराब यानी उस पर कुछ डॉट दिखेंगे, कुछ उसकी स्किन जो है वो खराब दिखेंगी, ब्लैक कलर की दिखेंगी, उसकी स्मेल जो है वो खराब आएगी। सच फूडस्टफ आर नॉट सुटेबल फॉर अ स्वीट, ऐसे जो फूड होते हैं वो हमारे लिए खाने के लिए अच्छे नहीं होते। समटाइम्स नेचुरली अवेलेबल फूड मटेरियल आर स्पॉइल्ड बाय रॉन्ग हैंडलिंग, अब वो खराब क्यों होते हैं? रॉन्ग हैंडलिंग, उसको हैंडल अच्छी तरीके से नहीं किया जाता, उसमें बहुत सारे केमिकल्स भी आजकल मिलाए जाते हैं। एज दे आर ओवर कुक, ज़्यादा कुकिंग की वजह से भी खराब हो सकते हैं। और इम्प्रॉपरली स्टोर्ड, हम अच्छी तरीके से उसको स्टोर्ड नहीं करते। मैंने जैसे बोला कि अगर उसको गेहूँ वगैरह हम जो स्टोर्ड करके उसको पानी वगैरह लग गया तो वो खराब हो जाते हैं। से इन डैम प्लेसेस, खराब जगह पे अगर हम फूड को रखते हैं तो उसको उस वजह से भी जो है वो खराब होते हैं। इन सच केसेस द क्वालिटी ऑफ फूड मटेरियल डिट्रियोर्स, यानी जो क्वालिटी होती है उसकी कम होती जाती है। अच्छी क्वालिटी का है तो उसका क्वालिटी जो है वो धीरे 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 कम होती जाएगी। दे मे ऑल्सो बी स्पॉइल्ड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन देखिए एक जगह से दूसरी जगह पे वो ऐसा हैंडलिंग अच्छा नहीं होता तो उसको मार बैठता है कुछ फ्रूट्स को, उसकी वजह से भी खराब हो जाते हैं। कैन यू गिवन मोर सच एग्जाम्पल ऑफ फूड स्पॉइलेज, तो और एग्जाम्पल आपको जो है वो देने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आज एक पहला पेज इंट्रोडक्शन का देख लिया हमने, तो ये थोड़ा सा ऊपर में जो दिया है वो लिख लेते हैं, बाकी कल देखेंगे। द फूड स्टफ वी कंज्यूम, जो फूड स्टफ हम लेते हैं, वेदर ऑफ एनिमल और प्लांट सोर्स, वो एनिमल सोर्स के हो या फिर प्लांट सोर्स के। प्लांट सोर्स के तो हमें पता है, एनिमल सोर्स यानी मीट जो है, चिकन जो है वो एनिमल सोर्स से आता है। मस्ट बी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, वो बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए, अदरवाइज वी फॉल प्रे टू डिसीज और इलनेस, अगर हम उसको खाते हैं तो उसकी वजह से हमें अलग अलग प्रकार की डिसीज हो सकती है। फूड इज सेड टू बी द स्पॉइल इफ देर इज अ चेंज इन, हम कैसे बोलेंगे कि फूड खराब हो गया? अगर उसका कलर चेंज हो जाता है फूड का, उसकी ओडर चेंज हो जाती है, उसका टेक्सचर, उसकी क्वालिटी, उसकी टेस्ट, हम बहुत बार देखते हैं ना जो खाना खाते हैं उसकी टेस्ट अगर थोड़ी सी अगर ऐसी अलग सी लग गई तो हम बोलते हैं कि नहीं नहीं ये खाना खराब हो गया, उसको नहीं खाना चाहिए। एंड देर इज़ अ लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेंट, और न्यूट्रिएंट का भी कंटेंट लॉस हो जाता है, उसकी वजह से हमें डिसीज भी हो सकते हैं। तो जो खाना खाने की टेस्ट खराब हो चुकी है, कलर खराब हो चुका है, ओडर अलग आ रही है, टेक्चर अलग है, क्वालिटी अलग है, तो उसको खाना नहीं चाहिए, उससे हमें अलग अलग प्रकार के डिसीज भी हो सकती है और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी भी क्वालिटी जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ तक बच्चों समझने की कोशिश की, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।